फैक्ट्स अबाउट ग्रेट डाना। एक विशालकाय डॉग ब्रीड जो असल का दानव माना जाता है, 230 PSI का बाइट फोर्स है इनके पास और साथ में वर्ल्ड के टॉलेस्ट डॉग ब्रीड है आज का डॉग। चलिए बात करते हैं इस डॉग ब्रीड को लेकर। नंबर वन हिस्टोरी, एक विशाल जर्मन डॉग ब्रीड जो मेनली शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका ब्रीडिंग भी हुआ था पहली बार शिकार करने के लिए। पता है किसका शिकार? भालू का। जी हाँ, भालू और हिरण का शिकार करने के लिए इस डॉग को ब्रीड किया गया था पहली बार। तो इससे इनका शक्ति का अंदाजा लगा लो आप। इनका बड़ा आकार इनको बहुत एडवांटेज देते हैं और वर्ल्ड का टॉलेस्ट डॉग इसी ब्रीड का है। बेसिक स्टैट्स बात करते हैं। बेसिक स्टैट्स में वजन को लेकर, जहाँ पर फीमेल का वजन होता है करीब 45 से लेकर 60 किलोग्राम का जितना और मेल का करीब होता है 90 किलोग्राम जितना, जो बहुत ज्यादा होते हैं एक डॉग के लिए। हाइट की बात करते हैं, बहुत ट्विस्ट आने वाला है यहाँ पर। फीमेल का हाइट होता है करीब 80 cm जितना, याद करिए डोबरमैन का हाइट था 80 cm का, और यहाँ पर ग्रेट डाना के फीमेल का हाइट होता है उतना, जो बहुत विशाल होते हैं। अभी रुकिए, मेल का हाइट होता है करीब 90 cm जितना, जो बहुत लंबे होते हैं, सच में बता रहा हूँ मैं। बॉडी का कलर बहुत प्रकार के हो सकते हैं, छोटे उनके बाल रहते हैं और 238 PSI का बाइट फोर्स है इनके पास, जो इनको बड़ा पैकेट और बड़ा धमाका बनाता है। नंबर थ्री टेम्परामेंट, अभी देखिए इतना कुछ होने के बाद भी ये डॉग ब्रीड बहुत शांत रहना पसंद करते हैं, अपने मालिक के लिए बहुत लॉयल होते हैं, जेंटल होते हैं, हिम्मती होते हैं और बच्चों से खेलना उनको बहुत ज्यादा पसंद भी होते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे, लेकिन किसी खतरे के लिए एकदम नहीं, अपने परिवार के लिए बहुत ही लॉयल और समय आने पर खतरे के सामने सीना तान के खड़े रहते हैं, जो इनको बहुत अलग दर्जे का डॉग बनाता है, जो बहुत अच्छा गार्ड डॉग भी होते हैं। तो ये वाला खूबी भी इनमें बहुत अच्छे तरीके से भरपूर है। नंबर फोर मेंटेनेंस, अभी देखिए इनका मेंटेनेंस बहुत ही लो रहते हैं, ग्रूमिंग नहीं चाहिए होता उतना ज्यादा, हफ्ते में एक बार ब्रशिंग बहुत इनफ होते हैं इनको संभालने के लिए और साथ में टॉयस नहीं चाहिए होता है। लेकिन हाँ, आपको उतने पैसे खर्च नहीं होंगे, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको। इनको खेलना कूदना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो उनको एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा आपको, इस विषय पे तो आप गए। और साथ में इनके लिए बहुत जरूरी भी होता है एक्सरसाइज करना उनका मेंटेनेंस को स्टेबल रखने के लिए, वरना बोर हो जाएंगे। पैसे की बात करते हैं तो करीब आपको महीने में 8 से लेकर 10,000 रुपए लगेंगे इनको मेंटेन करने के लिए। अभी यहाँ पर पैसे की बात हो रही है तो बात करते हैं उनको प्राइस को लेकर, जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको महीने में संभालने के लिए उनको करीब लगेगा 8 से लेकर 10,000 रुपए और ये पूरा डॉग ब्रीड आपको मिलेंगे 5 से लेकर 12,000 रुपए में, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नंबर सिक्स लाइफ टाइम। अभी इस डॉग का लाइफ टाइम उतना नहीं होता, करीब 8 से लेकर 10 साल का होता है इनका लाइफ टाइम, जो उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ एक डॉग के लिए एकदम सही है, आप इनको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आखिरी पॉइंट माय ओपिनियन, बाकी सारे ब्रीडों के मुकाबले ये जनाब कुछ अलग ही होते हैं। इनका बड़ा आकार होना थोड़ा मुश्किल कर सकता है आपको उनको संभालने के लिए, क्योंकि उनको रहने के लिए बहुत बड़ा घर चाहिए होगा आपको। अभी 90 cm का हाइट ही है तो उनको रहने के लिए भी थोड़ा बड़ा घर चाहिए होगा ना। अगर आपके पास बड़ा घर है, अगर आप इनको मेंटेन कर सकते हैं तो जरूर ले सकते हैं आपको, और साथ में अच्छा ट्रेनिंग इनके लिए बहुत जरूरी होता है, ये बात याद रखिएगा। तो यार आज का वीडियो जहाँ पर आज हमने बात किया बहुत स्पेशल डॉग को लेकर, क्योंकि ये डॉग का ब्रीड वर्ल्ड के टॉलेस्ट डॉग में है, जो बहुत इनको अलग भी बनाता है। कैसे लगा बताएगा नीचे कमेंट करके, कि आप इस डॉग को लेना चाहेंगे? अपना थॉट शेयर करें साथ नीचे कमेंट बॉक्स पे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज द बॉय साइनिंग ऑफ, टाटा। और हाँ, बाकी सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, जाके देख लेना एक बार, ठीक है? सारे वीडियोस देखो, मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।